अब एक लड़की जा रही थी, स्कूल जा रही थी, रास्ते में उसका दुपट्टा खींच लिया, गिर गई। ये सब उजड़ा बना है बेसिकली, स्त्री को फंसाना है। और कोई माई का लाल दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो स्त्री को फंसा, कोई माई का लाल हुआ ही नहीं। मतलब भगवान इतनी हिम्मत नहीं कर सकता ये बात कहने की, इंसान तो छोड़ दो, इसने जितनी ज्यादा ललक पुरुष को ताकत बढ़ाने की है, स्त्री को नहीं है। आज तक मैंने कहीं कोई पोस्टर नहीं देखा जहां लिखा हो निराश स्त्री है, उसको कुछ चीजें बहुत पसंद है। मैं बता देता हूं, जय हिंद फ्रेंड्स। कि स्त्री को फंसाना है, और कोई माई का लाल दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो स्त्री को फंसा ले, कोई माई का लाल हुआ ही नहीं। मतलब भगवान इतनी हिम्मत नहीं कर सकता ये बात कहने की, इंसान तो छोड़ दो। वो जब दया खाती है किसी पे, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करने से कोई पैसे तुम यहां से ले लो, दे देंगे तुमको। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वुमन क्या है, भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है धरती पे, प्रभु ईश्वर की प्रतिनिधि करती है वो, तो कोई फायदा नहीं है। यही समझदारी का जो विकास व्यक्ति के अंदर हो जाएगा, किसी के भी अंदर, 90% लोग पूरा जीवन बस एक चीज में बिता देते, स्त्री पे। 90% और फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा, अरे यार ऐसे काहे देख रहे हो, ये बात तुमको स्त्रियां कभी नहीं बताएंगी। वो इसलिए नहीं बताएंगी क्योंकि उनको लगता है कि इन मूर्खों को क्या बताना, वो बता दें लेकिन वो सोचती कि जाने दो, समझेगा तो वैसे भी नहीं, तो उसको क्या बताएं। पुरुषों ने अपने अपने फॉर्मूले बना रखे हैं कि लड़की हंसी तो फंसी, और लड़कों को ही सुनोगे तुम कहते हुए कि मेरा 14 अफेयर था, कोई कहेगा 20, कोई कहेगा 25। 25 लोग तुमको बेवकूफ बनाए हुए, तुमको पता ही नहीं चला। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाके तुरंत उसका पैर छूना है कि माता जी हम नहीं है, वो हंसी इसी ले रही है कि अब तुम्हारी बारी। तोड़ना मत भैया, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कुछ चीजों की कोई जरूरत नहीं। उसको कुछ चीजें बहुत पसंद है, मैं बता देता हूं, उसको सम्मान बहुत पसंद है, रिस्पेक्ट। तुम जितना करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगी। उसको आजादी बहुत पसंद है, फ्रीडम। और जितना ताकतवर आदमी होगा उतनी आजाद उनकी औरतें होंगी, नियम है। इसलिए यहूदी की औरतें बिल्कुल नहीं डरती पूरी दुनिया में घूमने में, क्योंकि एक यहूदी की औरत को मारोगे पूरा शहर जला देंगे। जितना ताकतवर आदमी होगा उतनी स्वतंत्र उसकी महिला होगी। सब लॉ है, सब सिद्धांत है। वही सीता जी को पता था कि रावण तुमको तो मेरा आदमी है, उसको ताकत बहुत पसंद है, बहुत। उसको कुछ भी नहीं पसंद है, उसको ये तीन चीजें इतनी पसंद है
कोई तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हो तो उससे पूछना। इसलिए जितनी ज्यादा ललक पुरुष को ताकत बढ़ाने की है, स्त्री को नहीं है। तुम बाहर अगर एड देखोगे कहीं भी नहीं लिखा है निराश स्त्रियां मिले। अरे अरे भैया कहीं लिखा है? कहीं लिखा हो बताओ। इसलिए अगर तुम इन तीन चीजों पर ध्यान दो, मैं उस पर बात कर रहा हूं इंटेलेक्चुअलिटी पर, कि समझ का विकास कैसे होता है जब तुम चीजों को बहुत गौर से देखते हो। इसीलिए तो मैं तुमसे ध्यान करने के लिए कहता हूं। तुम सोचते हो कि हम तुमको ध्यान करके हरिद्वार भेजने के चक्कर में, हम तुमसे इसीलिए ध्यान करने के लिए कहते हैं कि जब तुम्हारा ये वाली आंख खुलेगी ना, तो जितनी हिडन चीजें दुनिया में है वो तुम्हें दिखाई पड़ेंगी। आज तक मैंने कहीं कोई पोस्टर नहीं देखा जहां लिखा हो निराश स्त्रियां मिले, यानी वो इनके अंदर इनबिल्ट पावर है। तुमने भी कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन तुमने गौर नहीं किया होगा। मैं बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं तुमसे, तुमने भी नहीं देखा होगा लेकिन तुमने गौर नहीं किया होगा। ऐसा नहीं कि मैंने ही देखा, ऐसा नहीं कि मिर्जापुर सिर्फ मैंने देखी, तुमने भी देखी। ऐसा नहीं कि थ्री इडियट मैंने देखी, तुमने भी देखी, लेकिन तुमने उसमें से रैंचो मॉडल निकाला नहीं। तुम सोच नहीं पाए कि यार रैंचो मॉडल का मतलब क्या होता है। कितने लोग परेशान हैं। हर आदमी पत्नी का मजाक बनाता है, हर आदमी 99% लोग पत्नियों का मजाक बनाते हैं, 99%। तो वही स्त्री मां है, वही स्त्री बहन है, वही स्त्री मौसी है। उस स्त्री के और भी तो रूप हैं पत्नी के अलावा। तो अगर स्त्री खराब है तो वो रूप क्यों नहीं परेशान कर रहे हैं? अगर स्त्री ही खराब है मान लो, तो स्त्री का मां रूप भी तो परेशान करना चाहिए, बहन वाला रूप भी परेशान करना चाहिए, भाभी चाची मौसी बुआ ये सारे रूप भी परेशान करने चाहिए। वो पत्नी का रूप ही चुनौती क्यों पैदा कर रहा है? क्योंकि तुम उसको भोगने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सिंपल। मतलब एक लाइन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ताकत तुम्हारे पास है नहीं। ताकत ही तो है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही है, तुम कहां परेशान हो रहे हो? एक लड़की मना कर दी, अब दिल्ली में वहां पे कितना चाकू मारा उसने उस लड़की को। अब एक लड़की जा रही थी, स्कूल जा रही थी, रास्ते में उसका दुपट्टा खींच लिए, गिर गई, उसके सर पे बाइक चली गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। ये सब हिचड़ापना है बेसिकली। मतलब तुम्हारे अंदर अगर इतनी क्षमता नहीं है कि तुमसे स्त्री मिलने आ रही है, तो तुम क्यों पुरुष लिखते हो अपने आगे? महापुरुष लिखो। वो फॉर्म में आता ना मेल या फीमेल, तो मेल वाला पोर्शन काट दिया करो कि भैया हम कुछ नहीं है। जबरदस्ती पीछे पड़े हो, मैं आपको नोट्स बना के दे दूं, रहन दे नोट्स बना के। हम तो यूनिवर्सिटी में थे, हमारी तो भैया 3 साल बात ही नहीं हुई, हम सब डिफॉल्टर ग्रुप में आते थे, छात्र संघ पे बैठते थे, वहां पत्थर की वो स्लैब बनी हुई थी, उसी पे दोनों पैर ऐसे ऐसे करके बैठते थे बीड़ी उड़ी लगा के, और वही गाना गाते थे।
वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। और एक बार गलत बयाना चला गया, वो एक ऐसे घर की लड़की थी कि दोपहर में घेर लिए सब यूनिवर्सिटी, बात बात जोड़ना पड़ा कि अंकल जी गलती हो गई, इंटेंशन वो कुछ गलतफहमी हो ही गई थी। हालांकि कोई कभी शिकायत नहीं करता था क्योंकि हम लोग किसी को परेशान नहीं करते, हम नहीं आते थे, तीन चार लोग तो पूछते थे लड़के की ऐसा, परेशान किसी को कभी नहीं किया। अब ये सब कौन सी हरकत है। क्लास में एक से एक लड़के थे डीओ वो लगा के एकदम बाल वाल एकदम सेट करके आते थे। एक लड़का था उसमें वो क्लास की लड़कियों को दीदी कहता था सबको, नाम नहीं लेंगे बेचारा भी, सबको दीदी कहता था। एक बार पकड़ लिए हम लोग क्लास के बाहर कि भाई तुम सब साले दीदी कहते हो, क्या भैया इसी बहाने बात कर लेते हैं। फिर छोड़ दिया उसको। जाओ भैया, फिर कुछ बोले ही नहीं उसको, जाओ यार खड़े हो तुम सामने से। इसीलिए मैं तुमसे ध्यान करने के लिए कहता हूं, ये जो जीवन का जो हिडन रहस्य है ना, ये तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा। जीवन में क्या अर्जित करनी है, शक्ति अर्जित करना है, दिमाग कहाँ लगाना है, किताबों में लगाना है, पढ़ना है, ये सारे जब सिम्टम्स तुम्हारे अंदर डेवलप होने लगेंगे ना, डेवलप ही होने लगेंगे, ध्यान तुम्हारे लिए एक लाइट का काम करता है। जैसे अंधेरे में रोशनी की भूमिका होती है, वही काम ध्यान का भी होता है। वो तुम्हें यह बता देता है कि देखो यार ये है रास्ता, सब चीज दिखाना शुरू कर देता है। हमसे ज्यादा यहां पे हैं कई सारे लोग बीड़ी उड़ी पीते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि हमसे ज्यादा चुनौती झेलते हो। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा हफ्ता जब ट्रॉलिंग ना होती हो, जब लोग गाली ना देते हो, शायद ही ऐसा कोई हफ्ता बीतता हो। अब हम उसको बहाना बना ले कि भाई साहब बहुत टेंशन है, सुकून नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सब चीजें जब तुम्हारे पास हो जाएंगी ना, तुमको बहुत बैलेंस कर देंगी।